बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं हाँ मैं खुश हूँ जो मैं हूँ वो बन के, वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसे कैसे बनी दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। उसके बाद हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना 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 ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती तो मेडिटेशन कैसे करेगी। तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज वाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपने विल पावर को डेवलप किया है, अपने इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा, अपने इन्वायरमेंट को रखा, ये तो मैं कर ही नहीं पाती, तो ना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला होता।